राज का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके गली का नाली का कूड़ा साफ करवाने का चुनाव है। मैं नेता नहीं हूँ, मैं भौजी हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 6 महीने के अंदर किसी गली में कूड़ा नजर नहीं आएगा। जिस दिन कूड़ा निकलेगा उसी दिन कूड़ा उठेगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। आपके साथ उमेश पाल, मैं इस समय ये 250 वार्ड सवापुर वार्ड लगता है और मैं ये 4.5 पुस्ते का एरिया है जिसमें आम आदमी पार्टी की पगयात्रा चल रही है। वीरेंद्र गुप्ता फौजी यहाँ से प्रत्याशी हैं, मैं जानना चाहूंगा आखिरकार किस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है और पब्लिक का किस तरह से व्यूज मिल रहा है, खासकर किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक को लुभाने का काम कर रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, जी किस तरह का प्रचार चल रहा है? प्रचार देखिए, जनता 15 साल से MCD में भाजपा थी, ये सोनिया बिहार वार्ड पहले था, उसी का कट के सभापुर बना है। 15 साल से यहाँ निगम पार्षद भाजपा के हैं। गली में देखो तो कूड़ा, नाली में देखो तो कूड़ा, रोड पे देखो तो कूड़ा, पूरा कॉलोनी कूड़े में तब्दील हो गया, सब लोग त्रस्त हो गए हैं, लोग उससे मुक्ति चाहते हैं और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और लोग कह रहे हैं इस बार बदलाव करेंगे। और सभी को पता है कि MCD में केजरीवाल की सरकार बन रही है और जिसका सरकार है उसी का पार्षद होगा तो विकास होगा, क्योंकि 2 साल पहले यहाँ की जनता से एक गलती हो गया था, अभी सब पछता रहे हैं, वो गलती दोबारा करना नहीं चाहते। अगर दूसरा बन गया तो यही 5 साल तक झगड़े करता रहेगा केजरीवाल से कि मुझे फंड नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, और फिर कॉलोनी भुगतती है। तो अब कॉलोनी ने मूड बना लिया है कि इस बार MCD में केजरीवाल को लाना है और कूड़े से मुक्ति पाना है, जो गली नाली सड़ रही है उससे मुक्ति पाना है। सभी को भरोसा है अगर फौजी। अच्छा, अगर ऐसे कौन से काम किए हैं जिनको आप गिना सकते हैं? काम तो बहुत बढ़िया बढ़िया किया है, जितने घर बने हैं उस पे सब पे उगाही हुई है, पूरी गली में कूड़ा फैला दिया है, पूरी नालियां कूड़े से भरी हैं, इससे बढ़िया काम क्या कर सकते हैं, और जनता सब देख रही है, उसका परिणाम भी देने के लिए तैयार है। अच्छा, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो वीरेंद्र गुप्ता फौजी का क्या एजेंडा है? हमारा एजेंडा, सबसे पहला एजेंडा है कि यहाँ की जनता जो नाली गली में कूड़ा पड़ा है, नरक भरी जिंदगी जी रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाएंगे, ये हमारा पहला एजेंडा है। 6 महीने के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे किसी भी गली में कूड़ा पड़ा नहीं होगा, जिस दिन झाड़ू लगेगा, जिस दिन नाली से कूड़ा निकलेगा उसी दिन उठेगा, इस बात की गारंटी हम जनता को दे रहे हैं और यह व्यवस्था हम लागू करके। और पब्लिक विश्वास जताती है और आपको जिता के लाती है, तो लैंडर माफिया पर लगाम लगेगा 100%। ये जो कॉलोनी है ये करोड़पति लोग नहीं रहते हैं, अमीर नहीं रहते, यहाँ यूपी बिहार पूर्वांचल के अधिकतर अलग अलग राज्यों से यहाँ आ करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 25 गज का प्लाट लेते हैं, उनका आसियाना बन जाए, लेकिन कष्ट तब होता है जब उस 25 गज का घर बनाते हैं तो वहाँ पे लोग 25,000 50,000 1,00,000 की डिमांड होती है, बहुत दिल से दर्द होता है। अगर हम केजरीवाल की सरकार MCD में आती है तो निसंदेह इसमें लगाम लगेगा, हम फौजी हैं, ईमानदार हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी अगर कोई गरीब घर बना रहा है उसके घर पे उगाही लेने की, इस बात अच्छा, की अंत तो एक जो लगातार आप जिस चीज को टैग लगा रहे हैं अपनी खास अपनी प्रत्याशी होने का कि आप फौजी हैं और फौजी ईमानदार होता है ये सबको पता है, और ईमानदारी का तो क्या ये आप लोगों को ये इफेक्ट काम कर पाएगा? बिल्कुल, लोगों देखो पिछले 4 साल से हम गलियों में ही, चाहे कोरोना संकट काल रहा हो चाहे कोई भी संकट काल हो, हमारे सभी साथी मिल करके, हम सब ने मिल करके गलियों में, हम कभी खंबे पे लटकने वाले या ऊपर ऊपर बड़े नेता नहीं, हम जनता के बीच में रहने वाले हैं। लोगों को पहले तो सुनते थे कि फौजी मेहनती होते ईमानदार होते हैं, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि फौजी मेहनती हैं ईमानदार हैं, और उनको भरोसा है कि ये व्यक्ति है कि हमारी कॉलोनी को बदल सकता है, और लोग बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद हैं और पाठक जी, पांडे जी, मैं पांडे जी से पूछना चाहूँगा, अनिल जी आखिरकार आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी और किस तरह से आप जीत हासिल करें? ये की स्ट्रेटजी है कि पिछले 15 वर्षों से MCD में भाजपा ने टोटल पूरे दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया, कॉलोनी को कूड़ा घर बना के रख दिया है। स्ट्रेटजी यही है कि कूड़े के नाम पे इलेक्शन लड़ने, कूड़ा हटाने का काम करेंगे, गंदगी सफाई करने का काम करेंगे, नाला नाली सफाई करने का काम करेंगे, पूरे दिल्ली को का सत्यानाश इन 15 सालों में कर दिया है बीजेपी। अगर अनिल जी हम अगर बात करें तो क्या ये MCD का चुनाव सिर्फ और सिर्फ कचरे की राजनीति पर होगा या फिर और भी विकास के मुद्दे होंगे, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था खराब? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से
अरविंद जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने शानदार काम शिक्षा पे किया है, स्वास्थ्य पे किया है। इसी तरह से एमसीडी के स्कूलों को, एमसीडी के अस्पतालों को सुधारने का काम किया जाएगा। लेकिन मुख्य मुद्दा जो है, आप देख रहे हैं यहाँ नालियां सड़ रही हैं, कचरा निकला हुआ है, 15-15 दिन एक एक महीने नहीं उठाया जाता, बिल्कुल नर्क बना करके रखा है। 1000 किलोमीटर दूर से सारे साथी यहाँ गरीब आदमी रहते हैं, आए सोचे थे कि दिल्ली स्वच्छ होगी, लंदन जैसी होगी, लेकिन यहाँ आके देख रहे हैं कि 15 वर्षों से बिल्कुल सत्यानाश कर रखा है, गांव से भी बदतर स्थिति बना रखी है। आपके पास भी फोन आते हैं कि डेंगू मलेरिया से ग्रसित हैं लोग, मच्छर से परेशान हैं, ऐसा बिल्कुल है? पूरा सीजन बीत गया, एक भी व्यक्ति से आप कॉलोनी में पता कर लीजिए, न डेंगू के न मलेरिया का न कोई छिड़काव हुआ दवा का, न कोई फॉगिंग हुई, सिर्फ दलाली किया जा रहा है, लेंटर माफिया की तरह व्यवहार किया जा रहा है। एक मकान बनता है, सूंघते पता नहीं कैसे सर्विलांस लगा के बैठे वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन कूड़ा सड़ रहा है, वहां की जानकारी नहीं है, ना कोई कर्मचारी आता है, ना कभी निगम पार्षद को किसी ने देखा है। निगम पार्षद के अगर काम पिछले के करे तो कुछ गिना सकते हैं क्या? कुछ अभी फौजी साहब ने बताया, कूड़ा निकाल करके एक एक महीने पड़ा रहता है, नालियां सड़ रही है, सनी बाजार चौक देख लीजिए, सर्कुलर रोड देख लीजिए, सड़ रहा है, गल रहा है, बदबू आ रहा है, मतलब नर्क की जिंदगी बना दी है, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। खास मुद्दा यही है कि जो बीजेपी एमसीडी में राज कर रही है 15 सालों से, इन लोगों ने सभापुर वार्ड को कूड़े में तब्दील कर दिया है। गली में देखो तो कूड़ा, नाली में देखो तो कूड़ा, रोड पे देखो तो कूड़ा, पार्क में देखो तो कूड़ा, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा। सुबह हम उठते हैं, आग मीचते हुए बाहर निकलते हैं और सामने हमें कूड़े का ढेर दिखता है। तो जनता इस चीज़ से त्रस्त है और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि एमसीडी में 15 साल से जो भाजपा राज कर रही है उसको उखाड़ फेंकेगी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को लेकर आने का पूरा मन बना लिया। अच्छा, आप महिला होने के नाते महिलाओं के लिए कोई है संदेश? महिलाओं के लिए यही संदेश है कि महिलाएं जो हैं वो गृहिणी होती हैं, उनका काम होता है बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजना, पूरा अपने पति का टिफिन पैक करके उनको ऑफिस भेजना, घर का साफ सफाई करना। घर में महिलाएं रहती है, घर का साफ सफाई करती है, घर में कितना भी फिनाइल का पोछा लगा लें, बाहर नालियां सड़ रही होंगी, कीटाणु अंदर आएंगे, बच्चे बीमार होंगे, फैमिली बीमार होगी। और महिलाओं को पता है कि यदि नाली साफ कोई कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी करवा सकते हैं, क्योंकि 15 सालों से महिलाएं झेल रही हैं। जो अभी पूर्व पार्षद सुषमा मिश्रा जी थी, क्या उन्होंने काम नहीं किया? बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। आप गली में देखोगे तो कूड़े का अंबार लगा हुआ है, नाली में देखोगे तो कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आज इतने सारे डेंगू के केसेस आ रहे हैं, गली गली में डेंगू के केसेस है। मेरे पास कई फोन आते हैं कि साक्षी जी हमारे परिवार में डेंगू हो गया है, इन लोगों ने न फॉगिंग करवाया, न दवाई का छिड़काव करवाया, कोई भी काम इस जो 15 साल से भाजपा एमसीडी में शासन कर रही है, इन लोगों ने कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया जिससे जनता खुश हो। अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य इनका कोई मुद्दा रहेगा या फिर कचरे कचरे राजनीति? जी देखिए, केजरीवाल जी का आज जो मेन मुद्दा था बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी बदलाव किया है, इसे जनता नकार नहीं सकती। और ऐसे ही एमसीडी का जो स्कूल है, एमसीडी के जो हॉस्पिटल है, एमसीडी के जो डिस्पेंसरी है, उसमें भी व्यवस्था चेंज होगी, क्योंकि बच्चों का न्यू जो होता है वो एमसीडी स्कूल प्राइमरी स्कूल में ही बनाया जाता है। LKG से लेकर 5वीं तक जो शिक्षा है वो MCD स्कूल में मिलती है। अगर अरविंद केजरीवाल जी आए तो उसमें भी व्यवस्था बदलेगी और न्यू अगर बेहतर और बच्चों के भविष्य अपने आप सुनहरा हो। कैमरा पर्सन रंजना शर्मा के साथ।